हेलो, वेलकम बैक गाइस। सुबह के बज रहे हैं 11 और आज हम जा रहे हैं थोड़ी सिल्वर शॉपिंग करने के लिए। सिल्वर शॉपिंग करने का रीज़न ये है, मेरी बहन ने हम दोनों भाइयों को 4 साल पहले ये चांदी की राखी पहनाई थी जिस पे हम दोनों भाइयों के नाम भी लिखे हैं। क्योंकि हम इसे रेगुलरली पहनते हैं, ये अब घिस घिस के थोड़ी कमज़ोर हो गई है और कई जगह से टूट भी गई है। रक्षाबंधन अब 1-1.5 महीने बाद आने वाला है, तो मैं चाहूँगा कि इस रक्षाबंधन से पहले एक नई चांदी की राखी मेरे पास हो। मेरे भाई ने तो 1 हफ्ते पहले ही एक नई चांदी की ब्रेसलेट ले ली है, तो अब हूबहू सेम टू सेम मैं भी लेने जा रहा हूँ। कुछ और चांदी की चीज़ें हमें खरीदनी हैं, तो लगे हाथ इस ब्रेसलेट को भी देके हम एक नया ब्रेसलेट इसके बदले में ले लेंगे। ज्वेलरी खरीदने के लिए हम ज्यादातर मिलन ज्वेलर्स जाते हैं, तो आज भी हम वहीं चलने वाले हैं, देखते हैं क्या मिलता है वहां पे। तो अब पहुंच गए हम ज्वेलरी शॉप मिलन ज्वेलर्स। इनके गोल्ड की शॉप और सिल्वर की शॉप दोनों साइड बाय साइड है और ये जैन मंदिर के एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। तो देखते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन इनके पास है। बनवाना तो मुझे भाई के जैसे सेम ब्रेसलेट ही है, बट डिज़ाइन देख लेंगे, और कुछ अच्छा मिल जाता है तो अच्छा। चांदी का आज का रेट है 68,000 रुपीज़ पर केजी। देखते हैं ये दोनों ब्रेसलेट का वेट कितना है, और हमें जो ब्रेसलेट लेना है वो अराउंड 25-30 ग्राम्स के आसपास होना चाहिए। तो हमने वजन कर लिया है, हमारे दोनों ब्रेसलेट्स, दोनों पुराने ब्रेसलेट्स का वेट है 28 ग्राम्स। तो मिलन ज्वेलर्स में तो ब्रेसलेट डिज़ाइंस हमें पसंद नहीं आए, और सेम टू सेम भाई जैसा ब्रेसलेट बनवाने के लिए उन्होंने कहा कि 4 दिन लगेंगे। तो यहाँ बगल में एक फेमिना सिल्वर पैलेस है, वहाँ हम चल के देखते हैं वहाँ मिलता है कि नहीं। दोनों भाइयों का सेम ब्रेसलेट लेना ज़रूरी था, क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी हम दोनों को जब राखी में ये चांदी का ब्रेसलेट दिया था तो वो आइडेंटिकल था, तो जो अभी भी हमें लेना था वो भी आइडेंटिकल ही लेना था, तो अच्छा है कि वो मिल गया। तो हो चुकी है ब्रेसलेट की शॉपिंग और सेम टू सेम मेरे भाई जैसा ब्रेसलेट मिल गया है। तो कमेंट्स में बताना है कि ब्रेसलेट कैसे लगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरी वाइफ के मन में अचानक ईयर पियर्सिंग करवाने की इच्छा जागी, तो गनशॉट के द्वारा उनकी भी इच्छा का ध्यान रखा गया है। ब्रेसलेट तो हो गया, अब लग रही है भूख। तो यहाँ पास में ही है एक स्वादिष्ट जलेबी फाफड़ा का स्टॉल। ये स्टॉल इस एरिया में जलेबी फाफड़ा के लिए सबसे फेमस स्टॉल है।
मॉम डैड घर पर ही है तो यहाँ से जलेबी फाफड़ा लेकर हम घर पर जाएंगे और एक साथ बैठकर पेट पूजा करेंगे। तो कैसा लगा आज का व्लॉग नीचे कमेंट्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और अच्छे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।